सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद पीपल। सो आज हम एक और टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन। सेक्शन किसे कहते हैं? इंट्रोडक्शन टू HTML सेक्शंस। HTML में सेक्शन किस लिए यूज़ होती है? तो सबसे पहले हम सेक्शन को जानेंगे। तो डिफिनीशन को देख लेते हैं। व्हाट आर सेक्शंस? अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट HTML एलिमेंट्स लाइक हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस एटसेट्रा कम्स टुगेदर। ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट होती है, जिस तरह हेडिंग होती है, पैराग्राफ होती है, इमेज होती है, इस तरह ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सेक्शन। तो नीचे देखे आप, क्रिएटिंग अ सेक्शन इज एसेंशियल फॉर सेटिंग अप द वेब कंटेंट सिस्टमैटिकली। तो हम वेब कंटेंट किस तरह एक अच्छी लुक के साथ, एक ग्रुप कंटेंट के साथ हम किस तरह करेंगे? तो हम सेक्शन के जरिए। तो द एलिमेंट यूज फॉर HTML सेक्शंस आर एज फॉलोस। तो HTML में सेक्शन किस तरह है और किस तरह यूज होती है? तो सबसे पहले हम सेक्शन के लिए यूज करते हैं div। सो div इट इज यूज्ड टू ग्रुप लार्ज ग्रुप ऑफ HTML एलिमेंट्स लाइक नेविगेशन, हेडर, मेन कंटेंट, फुटर, इमेजेस। इट इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। पिछली वीडियो में हमने ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन लेवल एलिमेंट के बारे में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो प्लीज़ आइकन पे, जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आपको वो वीडियो आ जाएगी और प्लेलिस्ट में भी गिवन है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट ये होता है div, और स्पैन ये इनलाइन एलिमेंट है। तो इट इज़ यूज टू ग्रुप स्मॉलर ग्रुप ऑफ टेक्स्ट इज पैराग्राफ एंड फ्यू HTML एलिमेंट्स टैग। तो बिफोर लुकिंग एट द एग्जाम्पल ऑफ div एंड span, लेट अस लर्न अबाउट HTML सेमेनेटिक एलिमेंट्स। सेमेनेटिक एलिमेंट्स क्या होती है? लेट अस सी द लिस्ट ऑफ HTML सिनेमैटिक एलिमेंट्स दैट वर्क सिमिलरली विद द div एलिमेंट। सिनेमैटिक एलिमेंट लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ HTML एलिमेंट होती है, ठीक है? तो सिनेमैटिक एलिमेंट में क्या किया आता है? इसमें नेव बार आता है, नेव जो उसमें सेक्शन लिस्ट होती है, हेडर होती है, मेन कंटेंट जो होती है वो सिनेमैटिक एलिमेंट है। मेन फुटर होती है उसमें सिनेमैटिक एलिमेंट में। दिस एलिमेंट इज नॉट नेसेसरी टू यूज बट इट इज अ स्टिल गुड प्रैक्टिस एंड रिकमेंडेड कॉज इट हेल्प्स इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इट विल बी लर्न मोर अंडरस्टैंडेबल। ये किस लिए ज़रूरी होती है? हम अच्छे प्रैक्टिस के लिए, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कि हमारा जो वेबसाइट है वो किस तरह गूगल पे टॉप पे आ जाए और उसकी जो सर्चिंग है वो क्वालिटी गुड हो जाए। तो इसी तरह हम ये इस्तेमाल करते हैं सिनेमैटिक एलिमेंट। तो इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो सबसे पहले हम div के बारे में पढ़ेंगे कि div किस तरह प्रैक्टिकल हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चले प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। विजुअल स्टूडियो कोड पे आने के बाद हमने ऑलरेडी इधर एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है डेस्कटॉप पे, तो हम उसको ओपन कर देते हैं। इधर हमने क्रिएट किया हुआ है प्रैक्टिस, तो मैंने प्रैक्टिस सेलेक्ट किया और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक किया। इस ये हमारा वो जो पिछला प्रोग्राम था उसमें हमने किया था। अभी आपने सबसे पहले क्या करना है, ये डॉग टाइप ये सब क्रिएट करना है। उसके बाद आपने बॉडी पे आना है। बॉडी पे आने के बाद आपने एक div क्रिएट करना है। तो div डेव क्रिएट करने के बाद आपने इसमें क्या करना है, इसमें कुछ टैग लिखना है। मैंने इधर लिखा है H1 लिखना है और लिखना है पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। और सेव कर देता हूं।
ये डेओ का मतलब क्या है, इसको हम सीएसएस में जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेक्शन इस्तेमाल हुआ है या नहीं। इधर मैं मल्टीपल ग्रुप ऑफ एलिमेंट इस्तेमाल करता हूँ, पी टैग में लिखता हूँ कोड विद पीपल, ठीक है, और इस तरह H2 H3 टैग में लिखता हूँ यूट्यूब चैनल, ठीक है, और इधर लिखता हूँ H6 लिखता हूँ प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और सेव कर देता हूँ। इसको हम रन कर देते हैं, ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, इसमें कुछ पता नहीं चलता कि डेव किया है ये सब। जब आप नए हो तो आपको पता नहीं चल जाएगा कि इसमें डेव किया है, इसमें किस तरह वर्क करता है डेव, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि हम थोड़ा सा सीएसएस इसमें डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा डेव किस तरह एक ग्रुप फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम वेट और हाइट, तो मैंने इधर क्या करना है, स्टाइल पे लिखने के बाद इधर बॉर्डर क्रिएट करना है, बॉर्डर मैंने कर दिया 2 pixel सॉलिड और कलर ब्लैक मैंने कर दिया और सेव कर दिया। फिर उसके बाद मैंने इधर क्रिएट करना है कलर, बैकग्राउंड कलर इधर डालने के बाद इधर क्रिएट करना है इधर बैकग्राउंड क्रिएट कर, इधर मैंने कलर देना है गोल्ड, ठीक है, तो इधर मैंने गोल्ड लिख लिया और सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसका जो लुकिंग है आपको पता चल जाएगा कि इसका किस तरह हो गया है। आप देख लीजिए ये डेव है, ठीक है, ये उसने फुल जो विड्थ है उसको मतलब लिया है, ठीक है, ये हमने नहीं दिया हुआ है। जब हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट पढ़ रहे थे तो जितना इसको मतलब अवेलेबल होती है विड्थ ये उतना ही लेता है, ठीक है, तो ये उसने ले लिया। अभी हम इसका हाइट विड्थ सब कुछ इधर से ही चेंज कर सकते हैं, तो इधर हमने सेमी कॉलन लगाना है, फिर उसके बाद इधर प्रॉपर्टी लगानी है विड्थ मैंने डालनी है कितनी डालनी है मैंने विड्थ 400 pixel और हाइट डालनी है हाइट मैंने डालनी है 500 pixel और फिर इधर से मैं दिखा रहा हूँ आपको लायो कि उसका क्या हो गया, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको विड्थ इसका छोटा हो गया है, हाइट भी कम हो गया, तो ये इस तरह वर्क करता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट पे, ये सारा प्रॉपर्टी अप्लाई करता है, ठीक है। तो ये थी डेव, अब हम पढ़ेंगे स्पेन किस तरह वर्क करता है, तो इसको हम हटा देते हैं और फिर इधर लिखते हैं स्पेन मैंने लिख लिया कोड विद पीपल, ठीक है, मैंने इधर दूसरा स्पेन क्रिएट करना है, इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है 3-4 मरतबा इसको पेस्ट करना है और इधर लिखना है YouTube प्लीज सब्सक्राइब इधर लिखना है सब्सक्राइब, ठीक है। तो ये है स्पेन, तो इसका किस तरह प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इधर हमने स्टाइल सीएसएस अप्लाई करेंगे, तो इधर इसका कलर चेंज करना है तो कलर लिखेंगे और कलर में हमने लगाना है ब्लू, ठीक है, तो मैंने इधर ब्लू लगा लिया। अभी इसका कलर चेंज करना है, स्टाइल लिखना है, कलर इधर मैं लिख रहा हूँ रेड, ठीक है, और इसका मैंने करना है स्टाइल, इसका मैंने बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर इसका होनी चाहिए इसका ग्रीन मैंने करना है, ठीक है,
इधर लिखना है ग्रीन, इसको सेव करना है और फिर इसको स्टाइल देनी है। बॉर्डर मैंने अप्लाई करनी है 1 पिक्सल या 4 पिक्सल्स और सॉलिड, और कलर देनी है ग्रे, ठीक है। तो इसको सेव कर देते हैं, फिर इसको लाया देखते हैं कि इसमें किस तरह चेंज आ गया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारा इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है, ये इनलाइन एलिमेंट है, इनलाइन ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ये सारे ये न्यू लाइन में नहीं आते, जो डेव में है वो सारे न्यू लाइन में आते हैं। ये फुल विड्थ वो लेता है जो जितना भी अवेलेबल होता है, ये एक दूसरे के साथ आ गया है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।